नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं फर्नीचर रिलेटेड वर्ड, फर्नीचर से संबंधित को शब्द। तो जिसमें पहला शब्द है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल किसे कहते हैं? श्रृंगार मेज को। अगला वर्ड है स्टूल या फिर फुट स्टूल, किसे बोलते हैं? तिपाई को। अगला वर्ड बेड या फिर बंक बेड, इसे बोलते हम पलंग को। अगला शब्द है फोर कॉट या रॉप बेड, किसे बोलते हैं? खटिया को। अगला है क्रेडल, क्रेडल मीन्स पालना। आगे चलते हैं सिक्स सोफा या फिर कॉच, ये बोलते हम सोफा को, या सोफा बोल सकते हैं या फिर कॉच बोल सकते हैं। आगे चलते हैं अगला वर्ड डबल बेड या सिंगल बेड, इसे भी हम पलंग को बोलते हैं। आगे चलते हैं बुककेस मतलब किताब की अलमारी। नाइन वुडन टेम्पल लकड़ी का मंदिर। अगला है वार्डरोब मतलब कपड़े की अलमारी। आगे चलते हैं सूरेख जूते की अलमारी। फिर अगला वर्ड है आर्म चेयर हत्तेदार कुर्सी। आगे चलते हैं व्हील चेयर मतलब पहिए वाली कुर्सी। आगे चलते हैं फोल्डिंग चेयर जो फोल्ड हो जाती है मतलब तोड़ने वाली कुर्सी। आगे चलते हैं रॉकिंग चेयर मतलब झूलने वाली कुर्सी, जिसमें हम झूलते हैं ना इस तरह से, वो होती है रॉकिंग चेयर, और जो फोल्ड हो जाती है तोड़ के रख देते हैं उसे बोलते हैं फोल्डिंग चेयर, और जिस चेयर में पहिए लगे होते हैं उसे बोलते हैं व्हील चेयर। क्या बोलते हैं? व्हील चेयर। आगे चलते हैं मतलब स्विवल चेयर मतलब होता है घूमने वाली कुर्सी, मतलब झूलने वाली, तो इस तरह से झूलते रहते हैं वो वाली चेयर होती है उसे हम बोलते हैं रॉकिंग चेयर, और स्विवल चेयर मतलब होता है जो घूमते हैं, घूमने वाली चेयर। आगे है हमारा हाई चेयर मतलब बच्चों की कुर्सी। अगला वर्ड पुश चेयर पहियेदार बच्चा गाड़ी। अगला वर्ड है थ्रोन, थ्रोन मीन्स सिंहासन। अगला है सेल्फ, सेल्फ मीन्स टांड, जो फर्नीचर का टांड बना देते हैं या फिर वैसा भी टांड हो उसे भी हम सेल्फ बोलेंगे। दराज जो कुछ आपने मेज देखी होगी, मेज के अंदर जो दराज होती है इसे हम खींच लेते हैं बाहर, उसे हम बोलते हैं ड्रॉवर। अगला वर्ड है चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स मतलब दराजों वाली अलमारी, जो अलमारी होती है मतलब उसमें बहुत सारी ड्रॉवर्स होती हैं, तो उसे बोलते हैं, बहुत सारी दराजें होती है उसे बोलते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। आगे है हमारा अलमारी, अलमारी को हम कैबिनेट भी बोलते हैं, अलमीरा बोलते हैं, या फिर कपबोर्ड भी बोल सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। आगे है खाने की मेज, जिसमें हम खाना परोसा जाता है, इसमें खाना बैठ के खाते हैं उसे बोलते हैं डाइनिंग टेबल, ये डाइनिंग रूम में होती है डाइनिंग टेबल। दराजों वाली मेज, जो मेज होती है उसमें दराजे होती है उसे बोलते हैं डेस्क, और संदूक को कॉफर या फिर बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो साथियों अगला वर्ड है आपके लिए रिवॉल्विंग चेयर। ये रिवॉल्विंग चेयर मींस क्या है, ये किस रिवॉल्विंग चेयर आपकी किसकी मीनिंग है, ये इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।